أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم ما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به फ़लाँनत आफरीन अल्लाह रब्ज़त इस आयत में बयान कर रहे हैं यहूद के नबील वसलम के साथ कुफर का नबी आलम के बारे में वो पहले से गुफ्तू करते रहते थे आपका तस्करा करते रहते थे बल्कि अल्ला रब्ज़्ज़्ज़त से दुआ किया करते थे कि अल्लाह आखिरी नबी को बेच ताकि हम उनकी क़्यादत में उनकी इमामत में काफ़रों से लड़ सकें और उन पर गलबा पा सकें यही नबी जिनका वो तस्करा किया करते थे जब तशरीफ़ तो ले आए चूँकि उनकी नस्ल में से नहीं थे बल्कि अरबों में से थे जनाब इसमा इस्लाम की औलाद में से थे तो इसलिए उन्होंने आपको नबी मानने से इनकार कर दिया अल्लाह रब्बुल रब्ज़त शात रमाते हैं वलम जाम किताब उमिन आंद और जब उनके पास आई किताबुम मिन उमिन अल्लाह के पास से एक किताब अल्लाह के पास से एक अज़ीम किताब उनके पास आई मुसद्द्ली माह माहम जो तस्दीक करने वाली है उन कुतुब की जो उनके पास हैं वकान मिन कबल यून आलदीन कफ़रू और ये इस किताब के आने से पहले नुसरत तलब किया करते थे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो के काफ़र हैं बस जब इनके पास वो हक आ गया जिसे इन्होंने पहचान लिया इन्होंने उसके साथ कुफ़र किया बस अल्लाह की लानत हो काफ़रों पे। इस ऐद का तर्जमा कर लेने के बाद अब इस ऐद के मुफादात और अल्फ़ की तरफ़ आते हैं लम्मा ये जब का माना देता है ज़रफ़ भी है लेकिन इसमें शर्त का माना पाया जाता है तो लम्मा जा जब आई जा आफेल मादी है वाहिद के लिए इनके पास किन के पास बनी इसराइल के पास यहूदियों के पास तस्करा उन्हीं का हो रहा है गुज्त आयात में तो जब इनके पास आई किताब किताबन एक अजीम किताब अजीम किसका तर्जमा है तनवीन का वो किताब कहाँ से आई मिन रबुल रबुल्जत की तरफ से मुराद इससे कौन सी किताब है तो। कुरान हकीम तो। मुसद माहम जो के तस्दीक करने वाली है तइद करने वाली है उन कुतुब की जो उनके पास हैं मुसद्दिकुन इसम फाइल है सद्दासद से तस्दीक करने वाला तइद करने वाला सच्चा करार देने वाला लिमा उस चीज़ की माँ इसम मौसूल है अल्लादी के माने में उस चीज़ की तस्दीक करने वाली है ये किताब जो चीज़ें उनके पास हैं जो कुतुब उनके पास हैं उनके पास कौन सी कुतुब है तो रातो इंजील वकानू और ये थे कौन यही लोग यहूदी बनी इसराइल मिन कबलू ये इससे पहले किससे पहले इस किताब के आने से पहले ये इससे पहले यफ़ती हूं फेल मुदारे है जमा के लिए है और इस पे सीन भी दाखिल हुई है जो तलब का माना देती है किसी चीज़ के सवाल करने का मांगने का माना देती है तो यस्तफतिहून ये फतहा तलब किया करते थे ये नुसरत का सवाल किया करते थे आलिन लदीन कफलू उन लोगों के खिलाफ जो के काफ़र हैं यहाँ पे कौन मुराद हैं यहाँ पे मुराद यहूदी और ईसाई नहीं है यहूदी ईसाई तो उस जमाने के मुसलमान हैं तो ये फता तलब किया करते थे किन के खिलाफ काफरों के खिलाफ उस जमाने में कौन है काफर मुशरकिन मिसाल के तौर पर औस कबीला हजरत कबीला मक्का के मशरक वगैरह वगैरह आर कफरुद्दीन इसमें मौसू है अल्लादी की जमा है काफरु जिन्होंने कुफर किया फिल्म मदी है जमा के लिए फलम पस जब लम्मा के बारे में गुफ्तगु पहले भी हो चुकी है और मैंने बताया था कि जरफ़ है और शर्त का माना इसमें पाया जाता है अब जो पहला लम्मा है वो गुजर चुका और मैंने बताया था कि उसमें भी शर्त का माना पाया जा रहा है तो उसका जवाब है शर्त की है यह सवाल है जिसका जवाब अभी हमें मिलेगा तो अब हम आते हैं दूसरे लम्हा की तरफ तो दूसरा लम्हार्फ़ के लिए है और उसमें भी शर्त का माना पाया जाता है जब जब उनके पास आया जब उनके पास आई क्या माँ वो चीज जब उनके पास आया वो हक वो चीज माँ आरफू जिसको उन्होंने पहचान लिया माँ इस मौसू हैदी के माने में आराफू उन्होंने पहचान लिया आरफु फेल मादी है जमा के लिए तो उन्होंने क्या किया फिर ये दूसरे लम्बा का जवाब मौजूद है जब उनके पास वो चीज आई जिसे उन्होंने पहचान लिया जब उनके पास वो हक आया जिसे उन्होंने पहचान लिया काफारो बिही तो उन्होंने उसके साथ क्या किया कुफर किया काफारू फिल्मादी है जमा के लिए बिही की ही जमीर की तरफ जा रही है माँ की तरफ तो जब इनके पास वो हक आ गया जिसको इन्होंने पहचान लिया तो इन्होंने उसके साथ क्या किया कुफर किया फलाकाफरीन बस अल्लाह की लानत हो किन पे काफरों पे लानत का मतलब क्या होता है अल्लाह की रहमत से दूरी हो अल अरेकाफ़रीन काफरों पे काफरीन जमा है किसकी काफिर की कुफर करने वाला काफ़रीन कुफर करने वाले अल्लाह रब्ल इस आयत में बयान कर रहे हैं कि बनी इसराइल जब इनकी अपने होती थी और वो इन पर गालब आ जाते थे तो ये अल्लाह रब्ज़त से दुआ किया करते थे कि या वो आखिरी नबी जिसकी पशीन गोइयाँ हमारी कुतुब में मौजूद हैं हमारे नबी बताते रहे हैं या भेज ताकि हमें इन काफ़रों पर गलबा मिले ओस कबीले पे गलबा मिले खजर कबीले पे गलबा मिले दीगर जो उनके मुखालफ थे उनका नाम लेके कहा करते थे ताकि हमें इन काफ़रों पर गलबा मिले जब नबी असल्लाम तशरीफ़ ले आए तो आप पे ईमान लाने से इनकार कर दिया जबकि आपको पहचान चुके हैं पहचान चुके हैं कि ये वही नबी हैं जिनकी पशीन गोइयाँ हमारी कुतुब तो में मौजूद हैं ये वही नबी हैं जिनके बारे में हमारे नबी बताते रहे हैं मिसाल के तौर पर व इदकाल सबन मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूल तउरा व मुबशरम बसूल अहमद के ईसा इस्लाम कह रहे हैं ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह के रसूल बनकर आया हूं और मैं तुम्हें खुशखबरी दे, दे रहा हूं कि मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम क्या होगा अहमद होगा तो जब इनके पास अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ कुरान नाजिल हुआ तो वो कुरान तस्दीक करता है इनकी वो तस्दीक करता है इनकी कुतुब की और ये तस्दीक दो लिहाज से है कौली तौर तो पे भी अमली तौर तो पे भी कौली तौर पर कैसे कि कुरान बताता है कि वाकई तुरातो इंजील अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से नाजल करदा कुतुबह तो ये तस्दीक हो गई कौली तौर पर अमली तौर पर कैसे अमली तौर पर यह कि कुरान करीम में कई ऐसी मालूम हैं जो मालूम तुरातो इंजील के मुताबिक हैं तो तुरातो इंजील की मालूम की तस्दीक हो जाती है तो जब यह कुरान जो जनाब मोहम्मद पे नाजुल हुआ सल वसम इनके पास मौजूद कुतुब की तस्दीक कर रहा है तो इनको चाहिए था कि फौरी तौर पर ईमान ले आते कुरान पर भी साहिब कुरान पर भी मुसलमान हो जाते लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया अल्लाह इज़्ज़त ये बयान कर रहे हैं तो वलमा जाम जब इनके पास आई किताब उन एक अदीम किताब मिन इंद किस तरफ से अल्लाह की तरफ से तो यहाँ पे कुरान की तज़ीम दो तरह से बयान की जा रही है नंबर एक किताब उनके ऊपर जो तनवीन है अजीम किताब नंबर दो मिन ये किताब किसकी तरफ से है अल्लाह की तरफ से ये अजीम किताब जो अल्लाह की तरफ से होगी अजीम किताब होगी तो जब इनके पास वो किताब आई जो अल्लाह की तरफ से है मुसद्दीकन यह सिफत है किताब की कि किताब कैसी है यह किताब तस्दीक करने वाली है लिमा उन कुतुब की जो उनके पास हैं, तो उनके पास कौन सी कुतुब थी तो रातों इंजील अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि पहला लम्हा जो है इसका जवाब किधर है कि जब उनके पास किताब आई जो तस्दीक करने वाली फिर क्या हुआ लम्मा का जवाब उसकी जरूरत है ना ऐसे महसूस होता है जैसे कलाम में कुछ कमी सी हो तो वो लम्हा का जवाब महजूफ है क्यों महसूफ है कुरान पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा सुनने वाले को कैसे पता चलेगा क्योंकि करीना मौजूद है लम्मा का जवाब महजूफ है ये तो हर कोई समझ रहा है लेकिन कौन सा जवाब है इसके लिए भी करीना मौजूद है जब हम दूसरे लम्मा की तरफ देखते हैं कि जब उनके पास वो हक आ गया जिसको उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने क्या किया कुफर किया ये जो दूसरे लम्बा का जवाब है यही जवाब है पहले लम्बा के लिए कि जब इनके पास एक अजीम किताब आई अल्लाह की तरफ से जो तस्दीक करने वाली है उन कुतुब की ईमान लाना चाहिए था लेकिन ईमान नहीं लाए बल्कि इन्होंने कुफर किया वकानू मिन कब्रीन लदीन कफर और यह इससे पहले यानी कि कुरान नाजर होने से पहले हमारे नबी अलीसम के नबी बनने से पहले यसती हून क्या तलब किया करते थे अल्लाह से फतः तलब किया करते थे किन के खिलाफ उन लोगों के खिलाफ जो कि काफर हैं तो फतेह तलब किया करते थे इसकी दो तफसरें हैं एक वह तफसर जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ और ये वह तफसर है जो दिल्ला बबिन अब अब्बास बयान करते हैं और ये साबत है कि अल्लाह रब्बुल रब्ज़त से ये लोग दुआएं किया करते थे कि यह अल्लाह आखिरी नबी को बेच ताकि उनके जरिए हम इन काफरों पे फतेह पा सकें गलबा पा सकें और दूसरी तफसीर ये है कि वो अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त से दुआ करते हुए अल्लाह ताला को वसीला दिया करते थे हमारे नबी के हक का सल्ह वसम तो फतेह से क्या तल्ला क्या इस चीज़ का इस बारे में इमाम हाकिम अपनी किताब अलमुसद में रवायत बयान करते हैं कि जब इन लोगों की लड़ाई होती दूसरे कबाइल से मिसाल के तौर पे यहूदियों की लड़ाई होती है ग़तफ़ान कबीले से और वो कबीला जीत जाता ये शिक्ष खाते तो फिर ये लड़ाई के दौरान यह लड़ाई के शुरू में अल्लाह रबुल्जत से दुआ किया करते थे कि हम तो इससे सवाल करते हैं नबी उम्मी जनाब मोहम्मद के हक से कि तू हमें फता दे हमें हमारी नुसरत फरमा और हमें गलबा दे इन पे और अल्लाह इनकी ये दुआ कबूल किया करता था इस रवैत को किस इमाम ने बयान किया है इमाम हाकम ने अपनी किताब अलमुसद रख में और इमाम हाकम इस रवायत को बयान करने के बाद इसके ज़यीफ़ होने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं इसको अपनी किताब में तफसीरी जरूरत की बुनियाद पर लेकर आया हूं यानी कि इस काबल नहीं है कि इसे लाया जाए इस काबल नहीं है कि इस रवायत को मैं अपनी किताब में जगह दूं, लेकिन तफसीरी जरूरत की बुनियाद पर ले आया हूं यानी कि यह रवायत इस ऐद की तफसीर कर रही है इमाम जहाबी राह जिन्होंने इमाम हाकम की बयान करदा इन अहदीस का क्या किया है जायजा लिया है तकब किया है वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं थी इस रवायत को लाने की और फिर बताते हैं कि इसमें एक रावी है जो हालिक है यानी कि बिल्कुल गया गुजरा है उसकी रवायत पे किसी भी शक्ल में इतमाद नहीं किया जा सकता तो बहाल ये रवायत दुरुस्त नहीं है और सही बात यह है कि अल्लाह इज्जत को किसी भी नबी के हक का वास्ता देना किसी भी वली के हक़ हाँ का वादा देना यह कुरान हदीस से साबित नहीं है कुरान हदीस से ये साबित है कि आप अल्लाह को वास्ता दें अल्लाह के नामों का अल्लाह की सिफात का नंबर दो आप अल्लाह को वास्ता दें अपने नेक अमल का नंबर तीन आप वसीला ये अख्तियार कर सकते हैं कि जो जिंदा शख्स मौजूद है और आप उसको नेक समते हैं अल्लाह का वली समते हैं अल्लाह का बुजुर्ग समते हैं आप उससे कहें कि मेरे लिए दुआ करो बल्कि इसकी एक शक्ल ये भी है कि आप अपने वालद से कहें कि वो आपके लिए दुआ करे, क्योंकि वालद की दुआ औलाद क्या कबूल होती है मुसाफिर से आप दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं कोई हद पे जा रहा है उससे दुआ की दरखास्त कर सकते हैं को हाई से वापस आया है आप उससे दुआ की दरख्वास कर सकते हैं तो ये वो वसीले हैं जो क़ुरान हदीस से साबित हैं बाकी अल्लाह रबुल्ज़त को मखलूक में से किसी के हक़ का वास्तव देना ये क़ुरान हदीस से साबित नहीं है उसके बाद अल्लाह रबुल्ज़त शाहुमाते हैं कि फलम मा जा जब इनके पास वो चीज़ आ गई जिसको उन्होंने पहचान लिया वो क्या है वो ये किताब कुरान वो हमारे नबी वो हक हक़ से मुराद अब आप अल्लाह के रसूल भी ले सकते हैं हक से मुराद आप किताब भी ले सकते हैं तो जब इनके पास वो चीज़ आ गई जिसको इन्होंने पहचान लिया तो इन्होंने उसके साथ क्या किया कुफर किया इनके गौर करें पहचानने के बाद कुफर किया अल्लाह इज्जत बताना चाहते हैं इनकी सरकशी के बारे में कि जाहिल नहीं है यही वो बड़ा फर्क है यहूदियों में कि यहूदी इलम होने के बावजूद क्या हुए गुमराह हुए इलम होने के बावजूद उन्होंने कुफर की राख्तियार की तो यहां पर बयान कर रहे हैं कि जब इनके पास वो चीज आ गई जिसको उन्हें पहचान लिया जैसे कि आतीब याहू कमाफुन अब न ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं इसके बावजूद हक हाँ को छुपाते हैं तो हक हाँ को पहचानने के बावजूद इन्होंने कुफर किया है फला ना अल्लाह तला कहते हैं अल्लाह की लानत हो किन पे काफरों पर अगर आप इस जुमले के स्याको सबाक पे गौर करें तो स्याको सबाक का तकादा यह है कि यहां पर कहा जाता फला ना अलिम जब इनके पास हक आ गया जिसको पहचान लिया इन्होंने उसके साथ कुफर किया इसलिए अल्लाह की इन पे लानत हो लेकिन क्या कहा गया अल ये नहीं कहा गया अल्लाह की इन पे लानत हो कहा गया अल्लाह की लानत हो काफरों पे यानी कि जमीर की जगह पे इसम जहर लाया गया है पर की जगह पे किसको लाया गया है नाउन को लाया गया है क्यों इसमें क्या हमत है इसका क्या फ़ायदा है तो इसके कई फ़वाद होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक एक लफज में एक एक अरफ़ में कोई ना कोई फ़ायदा होता है तो यहाँ पे ये अंदाज़ क्यों अख्तियार किया गया कि इसमें क्या फ़ायदा है इसमें कई फ़ायद वो हैं जो हम समझ सकें हैं वरना अल्लाह रब्ज़त जानता है कि इसमें क्या क्या फ़वाद हैं एक फ़ायदा क्या है इसमें कि आप देखें इन आयात का आखिरी अरफ़ क्या है ये आयत और इससे पहली आयतों का आखिरी अरफ क्या है नून तख्तुल काफरीन अगर जमीर होती तो क्या होता फलानत अलहिम अब क्या फलानत अल काफरीन ये इसके फौायद में से एक फायदा है वरना मानवी लिहाज से क्या फौायद हैं और वो फौायद ज्यादा अहमियत रखती है फलानतुल्लाफरीन कह के अल्लाह ने बता दिया कि लानत की वजह क्या है तो लानत क्यों हुई फिर कुफर इनके कुफर की वजह से इनके अल्लाह ने वादे तौर पर कह दिया फलानतल्लाफरीन अल्लाह की किस लिए इनके कुफर की वजह से और यहीं से एक तीसरा फायदा हमें मिल गया वो ये कि लानत आम हो गई हर काफर पर अल्लाह की लानत है क्योंकि कुफर की लानत की वजह क्या है कुफर तो काफरीन फिर लानत इन लोगों के साथ खास नहीं रही एक तो पता चल गया कि इन पे लानत क्यों हुई है कुफर की वजह से और दूसरा यह फायदा मिला कि यह लानत अल्लाह की हर काफर के लिए चाहे वो कुफर इख्तियार करे इस रास्ते से जिस रास्ते से इन्होंने इख्तियार किया या किसी और रास्ते से अब इन लोगों का रास्ता क्या है कि इन्होंने जनाब मोहम्मद को नहीं माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को नहीं माना और ईसाइयों का कुफर का रास्ता क्या है उन्होंने भी हमारे नबी को नहीं माना कुरान को नहीं माना और किसी और ग्रोह की तरफ आप चले जाएँ तो उसने हो सकता है तीन चार नबियों को ना माना हो तीन चार आसमानी किताबों को ना माना हो और उन लोगों की तरफ आ जाए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं हो सकता है इनमें कोई ऐसा हो जिसने कुरान की किसी एक ऐद को ना माना हो बाकी कुरान को माना हो तो आप एक ऐद का भी इनकार करेंगे तो क्या हो जाएंगे काफर हो जाएंगे ईमान लाना जरूरी है छह चीजों पर अरकान ईमान कितने अच्छे हैं अगर कोई तकदीर का मुनकर है तो काफर का है तो फ़लानतल काफरीन अगर कोई आखरत का मुनकर है तो काफर है तो फ़लानतल काफरीन अल्लाह की रानत व काफरों पर अगर कोई फरिश्तों का मुनकर है तो वह भी काफर है तो अल्लाह की रानतों काफरों पर अगर कोई अल्लाह इज्जत का मुनकर है अल्लाह इज़्ज़त के वजूद को नहीं मानता तो वो भी काफर है तो अल्लाह की लानत हो काफरों पर अल काफी और यहीं से एक सवाल पैदा होगा कि क्या काफरों पर लानत की जा सकती है तो इस सवाल का जवाब यह है कि आप किसी काफर का ख़ुसूसी तौर पर नाम लिए बगैर लानत कर सकते हैं आप काफरों पे लान कर सकते हैं किसी एक खास एक काफर की तहदीद किए बगैर आप कहते हैं काफरों पे अल्लाह की लानत हो कोई मसला नहीं लेकिन क्या नाम लेकर किसी काफर पे लानत कर सकते हैं नहीं ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि उस काफर ने आइंदा दिनों में मुसलमान होना हो इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी अलीसम ने दुराने नमाज रकू के बाद दुआ कलूत शुरू कर दी और उसमें आप कहा करते थे अल्लाह मल फलान व फलानन व फलाना अः फलाँ पे लानत कर फ़लाँ पे लानत कर आप नाम लिया करते थे तो अल्लाह रबालत ने इस बदा से आपको रोक दिया यह ऐतनाजर हुई लई सलूबी के, के मालिक नहीं हैं हो सकता है अल्लाह तुमकी तोबा कबूल कर ले हो सकता है अल्लाह उनको अजाब दे यानी कि आप जो हैं आप यह काम ना करें तो खुलासा कलाम यह है कि नाम लेकर किसी काफर पर भी लांत करना दुरुस्त नहीं है तो मुसलमान पे नाम लेकर लाल करना कैसे जायज होगा तो फलाकाफरी तो बार अल्लाह की लान तो किन पे काफरों पे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आयत नंबर नबे की तरफ अल्लाह तला फरमाते हैं बे समुसर शाह इबादी

हसद करते हुए इस बात पे पर अल्ला रबुल्ज़त अपना फजल उतारता है अपने बंदों में से जिसपे चाहता है बस वो लौटे गज़ब पे गज़ब के साथ और काफ़रों के लिए ऐसा अजाब है जो रसुआ करने वाला है ये था इस ऐत का आसान सा तर्जमा अब हम इस ऐत के अल्फाज और मुफरदात की तरफ आते हैं बेसा ये फेल आता है किसी की मजम्मत बयान करने के लिए बेसा बुरा है बुरी बात है बुरी चीज़ है बेस्सी माँ ये माँ जो है नकला है और शैयन के माना में है बुरी है वो चीज़ इस तरह आम तौर पे किस माना में आता है इस तरह खरीदने के माना में लेकिन ये बेचने के माने में भी आता है तो यहां किस माने में है बेचने के माना में है तो इस तरह जमा के लिए इन्होंने बेचा बिही की बा इवज की है।, का माना दे रही है तो बुरी है वो चीज जिसके में इन्होंने बेचा किस को बेचा अनफूस अपने नफूस को अपने आप को तो अनफूस जमा है किसकी नफ्स नफ्स किसको कहते हैं जान को अकफरू बिमाजल ये मुबतदा है और जो इससे पहले था जुमला वो क्या था वो खबर है यकफुरू इनका कुफर करना यकफ्रू फेल मुदारे है जमा के लिए है अन मसरिया है ये बाद वाले फेल को भी मसर के माने में कर देता है तो इनका कुफर करना उस किताब के साथ जो ला ने नादल की है बुरी है ये चीज जिसके साथ जिसके इवज में उन्होंने अपने आप को बेच डाला है माँ अल्लाह जो अल्लाह ने नाजल की है मुराद इससे क्या है कुरान बगैन ये मफूल लहू है यकफरू के लिए इन्होंने कुफर किस लिए किया है अल्लाह की तरफ से नाजल करदा कुरान के साथ कुफर क्यों किया है बग यन हसद करते हुए सरकशी करते हुए हसद करते हुए किस बात पे इस बात पे कि अल्लाह ताला अपना फजल अपने बंदों में से जिसपे चाहता है नाजल करता है अन मसरिया है फिल मुदारे है नाजल करता है मिन फजल ही अपना फजल अला मै शाह जिस पे वो चाहता है मिन इबाद अपने बंदों में से इबाद जमा है किसकी अब्द की क्या मफहम है जी इस ऐत का ऐहद के इस हिस्से का मफहम क्या है अल्लाह रबुल्ज़त बयान करना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है क्या काम किया है इन्होंने अपने आप को बेच डाला है किस चीज के बदले में कुफर के बदले में कुफर किसके साथ कुरान के साथ कुरान के साथ कुफर इसके बदले में इन्होंने अपने आप को बेच डाला है यानी कि इन्होंने अपने नफ्स की नजात की परवाह नहीं की इन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारा नफ्स हमारा जिसम हमारा अपना आप जन्नत में पहुंच जाए जन्म की आग से बच जाए कामयाब हो जाए इन्होंने अपने नफ्स को बेच डाला उसे जहन्नम की आग का ईंधन बना लिया उसे जन्नत से महरूम कर दिया उसे अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया किसके बदले में कुरान के साथ कुफर के बदले में कुरान के साथ इन्होंने कुफर किया है क्यों कुफर किया है अब सवाल यह पैदा होता है जबकि अल्लाह तला पिछली आयत में बयान कर चुके हैं कि इन्होंने हक पहचान लिया है फिर कुफर क्यों किया मसला क्या बन गया इनको अल्लाह कहते हैं मसला यह बना है कि हसद क्या हसद कि जितने भी नबी गुज़ा कई जमानों से आ रहे थे वो किस में किन में से आ रहे थे बनी इसराइल में से जनाब शहाक इस इस्लाम की औलाद में से और ये समझते थे कि आखिरी नबी भी हम में से होंगे ये तो आखिरी नबी पे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे उन पे ईमान लाने के लिए तैयार बैठे थे ये तो दूसरों को धमकियाँ दिया करते थे कि हमारे आखिरी नबी आने वाले हैं उनकी क्यादत में हम तुम पे गलबा पाएंगे तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे लेकिन जो ही इन्होंने देखा कि ये तो हम में से नहीं है ये तो अरबों में से हैं ये तो इस्माईलम की औलाद में से हैं तो इन्होंने कहा यह कैसे मुमकिन है कि नबी आए और उनमें से आए हम में से ना आए इनके सारे नबी तो हम में से आते रहे हैं ये कैसे मुमकिन है कि ये नबी किसी और कौम में से आए ये हजरत उनको लेकर बैठ गया हक को जानते थे आपको पहचानते थे कुरान की सदाकत को पहचानते थे हसद की वजह से ईमान से पीछे रहे और कुफर की राख तैयार की और अल्लाह उनकी मजम्मत बयान कर रहे हैं अल्लाह तला कह रहे हैं कि मैं अपना फजल जिस पे चाहूँ आज करूँ जिसको चाहू नबी बनाऊँ ये कौन होते हैं मेरे फजल पर पाबंदी लगाने वाले तो कि इनको अल्लाह इनकी मजम्मत कर रहे हैं कि हसर इनको इस बात पर है कि अल्लाह ने अपना फजल अपने बंदों में से जिस जिसपे चाह क्यों नाजल कर दिया किसपे नाजल किया अल्लाह ने अपना फजल मोहम्मद वसल्लम हमारे नबी तो इससे ये पता चला कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजल करदा कलाम है अल्लाह ने इसको ऊपर से नीचे उतारा है तो अल्लाह त कलाम है अल्लाह ने ऊपर से नीचे उतारा इसका मतलब है कि अल्लाह कहाँ है अल्लाह तला ऊपर है और इससे पता चला अल्लाह तला के अपनी मखलूकत से ऊपर होने का अल्लाह तला के आलूब का अल्लाह की बुलंदी का पता चला और यहां से अल्लाह की मशीत का भी पता चला अला दी तो अल्लाह की सिफात में से एक सिफ क्या है मशीत अल्लाह जो चाहता है वो करता है और अल्लाह ताला की मशीयत क्या अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से रजा की और मोहब्बत की दलील है नहीं ऐसा नहीं है कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह की मशीत से होता है लेकिन हर वो काम जो कायनात में हो रहा है उसमें अल्लाह की मर्जी और मोहब्बत शामिल नहीं है मिसाल के तौर पर अबू लाहब ने कुफर की राख तैयार की क्या अल्लाह की मशीत के बगैर कि अल्लाह के कंट्रोल से बाहर हो गया था ऐसी कोई बात नहीं है अल्लाह ने उसको मोहलत दी अल्लाह ने उसको इरादा दिया तो अल्लाह की मशीयत से मोहब्बत से नहीं अल्लाह की मशीयत से मर्जी से नहीं अल्लाह की मशीयत से उसने कुफर की राह अख्तियार की कुछ लोग यहां पर गुमराह हुए उन्होंने ये अकीदा इख्तियार कर लिया कि यहां पर जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं होता जो अच्छे काम हैं वो तो अल्लाह की मर्जी और मशीयत से हो रहे हैं और जो गलत काम है उनमें अल्लाह का इरादा और अल्लाह की मशीयत नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि नऊज बिल्ला इन कामों का खाल अल्लाह के अलावा कोई और है उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छी राह पर चलने की कोशिश की लेकिन कुरान हदीस की नसूस को साइड पर कर दिया कुरान और हदीस के नसूस से इस मामले में रोशनी नहीं ली इसलिए गुमराही के रास्ते पर चल पड़े तो सही बात यह है कि इस कायनात में जो भी हो रहा है अल्लाह की मशीत और अल्लाह के इरादे से हो रहा है लेकिन जो काम हो रहे हैं उनमें से कई काम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की मोहब्बत शामिल होती है अल्लाह की मर्जी शामिल होती है मिसाल के तौर पर लोगों का इस्लाम कबूल करना इसमें अल्लाह की मशीयत भी है और अल्लाह की मोहब्बत भी है अल्लाह पसंद करता है कि लोग ईमान लेकर आए इसीलिए अल्लाह ने नबी भेजे हैं किताबें नाजिल की हैं अल्लाह पसंद करता है कि लोग नमाजें पढ़ें लेकिन अगर कोई बदकारी करता है तो ये अल्लाह की पसंद नहीं है ये अमल अल्लाह का महबूब नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये काम करने वाला अल्लाह के कंट्रोल से बाहर हो अल्लाह की मशीत से बाहर हो नहीं अल्लाह ने खुद ही इंसान को इरादा दिया है और दुनिया इम्तिहान की जगह है इंसान से कह दिया गया इन्ना हदीना हो सबीरा इमा शाकिर इमा कफूरा क्या हमने सीधा रास्ता दिखा दिया है अब इंसान की मर्दी है कि वो किस रास्ते पे चलता है फबाऊ बे गदा गदब अल्लाह बयान करते हैं इस जुमले में फबाऊ क्या होता है राजाऊ बस ये वापस पलटे बे एक बड़े गजब के साथ गद, बड़ा गजब किसका अल्लाह का अल्लाह का बड़ा गजब लेकर वापस पलटे गजब था अल्लाह का इन पे पहले गजब नाजल हो रहा था पहले क्यों गजब नाजर हो रहा था ईसालाम की तकजीब की ईसा को झूठा करार दिया कई नबियों को कत्ल किया कई नबियों की तोह की कई नबियों की गुस्ाखी की तो कुफर के बहुत से काम पहले कर चुके थे जिनकी वजह से इन पर अल्लाह का गजब नाजल हो रहा था अब नए सिरे से अल्लाह के गज़ब के हकदार ठहरे नया काम क्या किया कुरान करीम का इनकार किया जनाब मोहम्मद सल्हलम को नबी मानने से फिर गए आपको नबी नहीं मानना कुफर किया तो इसलिए फरमाया गदब ये एक बड़े गजब के साथ वापस पलटे अला गिन पहले गदब पे वलिल वीन आदाब मुहीन और काफिलों को रसुआ करने वाला आदाब है ये जो अल्लाह ने कहा है कि ये अल्लाह के गजब के साथ वापस पलटे इससे पता चला अल्लाह की सिफात में से एक सिफत का कौन का। सी सिफत गजब अल्लाह जैसे कई लोगों पर रादी होता है मुतकी लोगों पर रादी होता है तहजद पढ़ने वालों पर रादी होता है जो तोहद के ऊपर उन पर रादी होता है अल्लाह ऐसे ही कई लोगों पर नाराज़ होता है कई लोगों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है और जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ उनकी बेहतरीन मिसाल कौन है यहूदी और जो कोई वो हरकतें करेगा जो यहूदियों ने की हैं वो भी अल्लाह के गज़ब का हकदार ठहरेगा तो बरल अल्लाह का गदब अल्लाह की सिफात में से एक है और इसके कई एक दलाइल हैं बहुत सी नसूस हैं जो अल्लाह के सिफत पर दलाल करती हैं उनमें से एक ये हदीस है जो मशहूर वरूफ़ है इन रब्बी गदी यूमा गदबन लम यकदब मिसला वलम यकदब आबादो मिसला कि जब रोज़े क्यामत लोग मुखलि अम्बिया कराम के पास शफात के लिए आएँगे कि आप लोग शफात करें ताकि हमारी यहाँ से जान चोटे हमारा हिसाब किताब हो मैदान हसन में खड़े खड़े तंग आ चुके हैं पसीने में डूबे हुए हैं तो हर नबी ये कहेगा सवाए आखिरी नबी के सवाए हमारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम के हर नबी कहेगा मेरा रब आज बड़े गु़स्से में है बड़े गदब में है इतने गुस्से में ना पहले कभी था ना आइंदा कभी होगा मैं शफात नहीं कर सकता किसी और के पास चले जाओ यहाँ देखिए बहुत से नबियों ने अल्लाह की इस सिफत का इस्बात किया इसी एक हदीस में कई दफ़ा अल्लाह की इस सिफत का इस्बात हुआ है कभी ये अल्फाद आदम इस्लाम कह रहे हैं कभी नूर अलीस्म कह रहे हैं कभी इब्राहीम इस्लाम कह रहे हैं कभी मूसा इस्लाम कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि हर नबी का कैीदा यह था कि अल्लाह की सिफात में सिख सिफत क्या है गज़ब और कई लोगों ने इस सिफत की तावील की है इसके असल मानने का इनकार करते हुए ये कहा कि गजब से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सजा देने का इरादा करता है अल्लाह ताला इंतकाम लेने का इरादा करता है यानी कि इस सिफत को उन्होंने इरादे में दाखिल करने की कोशिश की जबकि हमारा ईमान है कि अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है और अल्लाह की कौन सी सिफत है फेली यानी कि अल्लाह जब चाहता है जिसपे चाहता है नाराज होता है वरिल का फरीन आदाब और काफलों के लिए रसवा कन आदाब है यहाँ पर भी आप गौर करेंगे कि कलाम पहले से जारी है उस कलाम का बज़ाहिर तकादा ये लगता है कि यहाँ पर यूँ कहा जाए कि वह आदाब मुहिम और इनके लिए है रसवा करने वाला आदाब लेकिन अल्लाह तला ने ज़मीर की जगह पर इसम ज़ाहिर को इस्तेमाल किया है अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इनके लिए अल्लाह कहते हैं काफ़रों के लिए रसुआ करने वाला अजाब है इससे क्या फायदा मिला हमें अल्लाह तला बताना चाह अल्लाह तौ बता रहे हैं कि जो हरकतें इन्होंने की हैं यह कुफर पर मबनी है और हर वो आदमी जो कुफर की राख तैयार करेगा उसके लिए क्या है रसुआ करने वाला अजाब है वलिल का फिरीन आदाब मोहीन मोहन मु इसमेल है अहान युहन उसे क्या माना है रसुआ करने वाला तो काफ़रों के लिए एक ऐसा अदाब है मोहन जो क्या है रसुआ करने वाला है तो ये थी आयत नंबर नबे अब आते हैं ऐत नंबर इक्यानवे की तरफ अल्लाह तला, तला फरमाते हैं वाकिमा बिमा, बिमा, वा बिमा वरा वहू अलहक्क मुसद्दल माहम कुल फरीम तख्तुल अम्बिया मिन कबल इन कुम तुमिन और जब इनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ हर उस किताब पे हर उस चीज पर जो अल्लाह ने नाजल की है कलू तो ये कहते हैं हम ईमान लाते हैं उस किताब पे जो हमारे ऊपर नाजल की गई है और ये कुफर करते हैं उन कुतुब का जो इस किताब के अलावा हैं, जबकि ये किताब बरहक है तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो इनके पास है आप कह दें बस तुम क्यों कत्ल करते रहे अल्लाह के नबियों को इससे पहले अगर तुम हो ईमान लाने वाले वह इदाकिरम आमिनू जब इनसे कहा जाता है किन से बनी इसराइल से, से, से यहूदियों से जब इनसे कहा जाता है किला फिली है मजहूल है जब कहा जाता है इनसे क्या कहा जाता है आमिनू ईमान ले आओ इनके ईमान की दावत दी जाती है तो क्या यहूदी पहले से मोमन नहीं है उनका ईमान है बहुत से नबियों पर लेकिन वो उन्होंने कुफर किया किसके साथ इस्लाम के साथ कुफर किया किसके साथ इंजील के साथ कुफर किया हमारे नबी के साथ कुफर किया कुरान के साथ तो जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ बिमा बीमाजिल्ला हर उस चीज पे जो अल्लाह ने नाजल की है माँ मसूल है उमूम का फायदा दे रहा है जो भी शरीयत अल्लाह ने नाजल की जो भी किताब अल्लाह ने नाजल की उस पर क्या करो ईमान ले आओ तो कालू वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं उस किताब पे जो हमारे ऊपर नाजल हुई है दावत क्या दी गई थी हर उस किताब पे ईमान लाओ जो अल्लाह की तरफ से नाजल की गई उतारी गई है और जवाब में वो क्या कहते हैं हम ईमान लाते हैं उस किताब पे जो हमारे ऊपर नाजल की गई है यानि किस पे तो रादी तो तो है जमा के लिए उन्होंने कहा वो कहते हैं निनू हम ईमान लाते हैं जमा मुतकलम फिल्म उदारे हम ईमान लाते हैं बीमा उस चीज़ पे माँ इस मसूल के मानने में उन जिला जो नाजल की गई है उतारी गई है फिर मादी है अलई हमारे ऊपर व यकफरू ना ये वाह हालिया है यानी कि ये हाल किससे है कालू के फाइल से वो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं उस किताब पे जो हमारे ऊपर नाजल की गई है यह कहते हुए वह कुफर कर रहे होते हैं उन किताबों के साथ जो इस किताब के इलावा हैं तो यक ये फेल मुदारे है जमा के लिए वो कुफर करते हैं कुफर कर रहे होते हैं इनकार कर रहे होते हैं बीमा मा मसूला है उस चीज के साथ वराहू जो उसके अलावा है किसके अलावा है तो रात के अलावा हक को ये भी वाह हालिया है इस हाल में कि वो हक है वो क्या हक है मा वराहू जो तुरात के अलावा अल्लाह की तरफ से किताब नाजल हुई है कुरान वो क्या है वो हक है मुसदीकन इस हाल में कि वो तस्दीक करने वाला है वो तस्दीक करने वाली है कुरान किताब, किताब उस किताँ की जो उनके पास है उनके पास कौन सी किताब है तुरात कुल आप कह दें फिल अमर है वाहिद के लिए कुल आप कह दें फलीमा पस क्यों लिमा असल में क्या था लिमा इनके लाम अर्फे जार और मा ये दो लफज थे ली और मा कि तो लाम का मन क्या होता है के लिए और मा ये इस्तेफाम के लिए सवाल के लिए आता है किस चीज की वजह से क्यों तो अब मा के आखिर में जो अलिफ है उसको गिरा दिया गया है कुल फलीमा पस क्यों ये सवाल ये इस्तेफाम इनकार के लिए है तोबी के लिए है डांटने के लिए है बस तुम क्यों तख्त फेल मुजारे जमा तुम क्यों कत्ल करते रहे अम्बिया अल्लाह अल्लाह के नबियों को अम्बिया जमा है किसकी नबी की तुम क्यों, क्यों कत्ल करते रहे अल्लाह के नबियों को मिन कबलू इससे पहले यानी कि जो कुरान के नाजिल होने से पहले नबी आए जो जनाब मोहम्मद से पहले नबी आए वसल्लम तुम उन्हें क्यों कत्ल करते रहे इनकु मुमिनीन अगर तुम हो ईमान लाने वाले पे ईमान लाने वाले तौरात पे तो इस ऐद गौर कीजिएगा अल्लाह तला फरमाते हैं कि इनको दावत दी जाती है मुसलमानों की तरफ से क्या दावत दी जाती है कि कुरान पर क्या करो ईमान ले आओ उस चीज पे जो अल्लाह ने नाजल की है ईमान ले आओ हर आसमानी किताब पे ईमान ले आओ तो वो आगे से कहते हैं जी हमारा तो ईमान उसी किताब पर है जो हमारे ऊपर नाजल हुई है जिनके हम कुरान पर ईमान नहीं, लाएं। नहीं लाएंगे तो अल्लाह तै कहते हैं वक फ़ुरू नबी मा वाहू वो कहते हैं हम तुरात पे ईमान लाएंगे जबकि वो कुफर कर रहे होते हैं उस किताब का जो उसके बाद है तुरात के बाद इनके कुरान और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूदियों का झूठ बयान कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम तुरात पे ईमान लाए जबकि हकीकत में इनका तुरात पे भी ईमान नहीं है तुरात पे सही मानों में ईमान लाएंगे तो तुरात में हमारे नबी की सिफ़ात लिखी हुई हैं उनके बारे में बिशारतें मौजूद हैं पशीन गोइयाँ मौजूद हैं उनका उसाफ का तस्करा है तो तुरात पे ईमान लाएंगे, तो तुरात इनसे मुतालबा करेगी कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद पे ईमान ले आओ अलैहि स तो इसलिए ये अपने दावे में क्या है झूठे हैं।, हैं तो वक्फरू नबी मावरा हो तो ये कुफ़र करते हैं उस कुरान का जो तुरात के बाद में नाजिल हुआ है वाहू अलहक को और यह कुरान क्या है हक है इसमें बातल नहीं है ये मुकम्मल तौर पे हक पे मबनी है और ये किताब इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है इसके बावजूद ईमान नहीं लाते कितनी अजीब बात है अगर कुरान तुरात इंजील का इनकार कर देता तुरातो इन झील के बारे में कुरान कहता कि अल्लाह की तरफ से नाजु करता किताबें नहीं हैं फिर ये कुफर की राश तैयार करते ताजुब कम होता अब ताज्जुब ज्यादा है इसलिए कि कुरान तुरात की तस्दीक करता है कि वाकई ला की तरफ से नजर करदा किताब है और तुरात में आखिरी नबी के बारे में जो बशारतें मौजूद हैं पशीन गुयाँ मौजूद हैं कुरान उनकी भी तैद कर रहे उनकी तस्दीक कर रहा है इसके बावजूद इनका ईमान ना लाना ये अजीब बात है कुल फनीमा तख्तलोना आप कह दिए तुम क्यों कत्ल करते रहे अल्लाह के नबियों को मिन कबलू इससे पहले अगर तुम हो ईमान लाने वाले यहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि तुम्हारा ईमान सही ईमानों में नहीं है पहले अल्लाह ने बताया तुम्हारा सही ईमान होता तो तुम कुरान पर ईमान लेकर आते फिर अल्लाह ने बताया कि अगर तुम्हारा वाकई तो रात पे ईमान हो होता तो फिर तुम उन नबियों को क्यों कत्ल करते रहे जो तो की दावत देते थे जो तो के मुताबिक फैसले करते थे जो तुरात की तज़ीम करने वाले थे जो तुरात की तलावत करने वाले थे जो तुरात के अहकामों मसैल बयान करने वाले थे अगर तुम वाक़ी तुरात पर ईमान लाने वाले हो तो उन नबियों को कतल क्यों किया था तो इससे पता चला है पता चलता है यहूदियों की सरकशी का और उनकी तगियानी का एक तो इस मामले में कि हक हाँ को पहचानने के बावजूद ईमान ही लाए और दूसरा इसलिए कि अल्लाह के, अल्ला के नबियों को कतल करते रहे अगर कोई किसी आलम दीन को कत्ल कर दे जो हक में से हो तो वो बहुत बड़ा मुजरम है लेकिन जो अल्लाह के किसी नबी को कत्ल करे वो कितना बड़ा मुजरम होगा इसीलिए हदीस आती है जिसे इमाम अहमद अपनी मुसन में रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला शदीद अजाब देगा उस आदमी को जिसने अल्लाह के किसी नबी को कत्ल किया या जिसको अल्लाह के किसी नबी ने कत्ल किया तो ये थी ऐत नंबर इक्नवे अब हम आते हैं ऐत नंबर बानवे की तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं वजुम मूसा बिलबीना और अलबत् तहक़ीक तुम्हारे पास मूसा वाद निशानियाँ लेकर आए फिर तुमने बछड़े को मबूद बना लिया मिम्बाद ही इसके बाद, ही इसके बाद व तुम गाल इस हाल में कि तुम जुल्म कर रहे थे ये इस ऐत का तर्जमा था अब इस ऐद के अल्फाज की तरफ वाला लाम किस लिए है ताक़ीद के लिए और कद भी तहकीक के लिए ताक़ीद के लिए और लाम से पहले कसम भी महजूफ है लाम बता रही है लाम निशानी है इस बात की कि इससे पहले कसम महजूफ है तो कसम भी इसलिए लाई जाती है ताकि वो उस कलाम की ताकीद और तहक़ीक पर दलाल करे जो कलाम बाद में आने वाला है इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला जो बात अभी बताने लगे हैं उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो शक् व शुबा से बाल तर है और शक् व शुबा से बाला तर है, है इसके लिए अल्लाह तीन लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कसम लाम और कद यानी कि अल्लाह की कसम कोई शक नहीं कोई शक नहीं इस बात में कि तुम्हारे पास मूसा आलाम वाज निशानियां लेकर आए जा आ आए फेल मादी है वाहिद के लिए कुम तुम्हारे पास जा का फाइल क्या है कौन लेकर आए मूसा आलाम क्या लेकर ले आए अलबैन वाज निशानियां वाज निशानियों से मुराद क्या है मौजाद वो मौजात मूसा आलिलाम को मिले मिसाल के तौर पर उनकी लाठी उनकी लाठी कई तरह से मौजदा बनी इस लाठी को उन्होंने पत्थर पे मारा तो उससे कितने चश्मे निकले बारह चश्मे निकले इस लाठी को उन्होंने समंदर में मारा तो रास्ता बन गया बल्कि खुशक रास्ता बन गया और यही लाठी उन्होंने फेंकी थी तो उस लाठी ने उन सांपों को खाना शुरू कर दिया जो जादू की शक्ल में ज़मीन में घूम फिर रहे थे और फिरौन के जादूगरों की तरफ से थे और ऐसे ही मुजात और निशानियाँ ये भी हैं कि ए, उनके ऊपर अजाब आया उनकी कौम के ऊपर अजाब आया तूफान की शक्ल में मेनकों की शक्ल में खून की शक्ल में ये सब वो निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने मूसा आलाम को दी अल्लाह फरमाते हैं अलबा तहकीक तुम्हारे पास मूसा आए बिल बजिन वाज निशानियों के साथ सुमत तखज तुम अल्ला फिर तुमने बछड़े को बना लिया क्या बना लिया महबूद इतज ये क्या है फेल मादी जमा करिए तुमने बना लिया किसको बना लिया अलेजला बछड़े को बछड़ा किस चीज का था जेवरात का था यानी कि हकीकी तौर पे बछड़ा नहीं था जेवरात का था और उसे बछड़े की शक्ल में बनाया गया था और उसमें सुराख वगैरह थे तो हवा उसमें से गुजरती तो थोड़ी बहुत आवाज निकलती थी तुमने बछड़े को बना लिया क्या बना लिया मबूद लेकिन महबूद का लफज इबारत में मौजूद नहीं है लेकिन ये वो चीज़ है जिसे हर वो आदमी समझ सकता है जो अरबी जुबान के कवायद से वाकफ है क्योंकि इतम ये वो फेल है जिसको दो मफ़ूल चाहिए एक अलेजरा तुमने बना लिया बछड़ा क्या बना लिया बछड़े को तो महबूद उसके बगैर यह कलाम मुकम्मल नहीं होगा तो अब वो बछड़े को क्या बना लिया मबूद बना लिया महबूद का यहां पर होना यह हर एक को मालूम है इसलिए इस चीज का हजफ हो जाना कलाम में मौजूद ना होना नुकसानदेह नहीं है तो सुमत तखत तुम्हारा फिर तुमने बना लिया किसको बछड़े को माबूद मंबा बादी इसके बाद किसके बाद मूसा इस्लाम के वाद निशानियां लाने के बाद मूसा इस्लाम तुम्हारे पास आए वाद निशानियां लेकर आए हर एक के लिए वादे हो गया कि वाकई वो अल्लाह के नबी हैं के बावजूद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया कितना बड़ा जुल्म है कितना बड़ा गुनाह है दालिमून इस हाल में कि तुम कर रहे थे। किस पे कर रहे थे अपने आप पे किस चीज के जरिए जुल्म कर रहे थे बछड़े को माबूद बनाकर और यह कौन सा जुल्म है जुलम अकबर यानी कि बछड़े को महबूद बनाना उसकी इबादत करना यह अल्लाह के साथ शिरक है और अल्लाह फरमाते हैं इन के शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है तो बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत करके अपने ऊपर बहुत जुल्म किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं कि तुम तो रात पर ईमान लाने का दावा करते हो और अपनी हरकतें देखते चले जाओ तो रात पर तुम्हारा ईमान होता तो तुम फौरी तौर पे कुरान पे भी ईमान ले आते क्योंकि तुरात में वो औसाफ मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि कुरान लाने वाले जो हैं वो वाकई अल्लाह के नबी हैं जनाब मोहम्मद वसल्लम और अगर तुरात पे तुम्हारा ईमान होता तो वो नबी जो तुरात की दावत देते रहे तुरात के मुताबिक फैसले करते रहे तुम उन्हें कत्ल ना करते और तुम्हारा तुरात पे ईमान होता तो मूसा अलीम की तोहन ना करते उनकी गुस्साखियां ना करते उनके जमाने में तुम शिरक ना करते लेकिन तुमने ये सारे काम किए उसके बाद अल्लाह रब्ज़त शाहते हैं ऐत नंबर तिरानवे में वद अखद ना मी था कुमरफ़ा ना फोकुमक खुद मा आती ना कुम बुआ वस्माऊ कलु सम वसैना व वा उशरबूफ़ी क्लू बिहुलजलाफ रिहम कुल बिस्मायकुम बिहि ईमान तुम मुक्मिन और जब हमने तुम से पुख्ता और हमने तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद किया तुम पकड़ो उस चीज को जो हमने तुम्हें दी है कैसे पकड़ो कुत के साथ वसमाऊ और सुनो कालू तो उन्होंने कहा समय ना हमने सुन लिया व सही ना और हमने नाफरमानी की और वो पिला दिए गए अपने दिलों में बछड़े की मोहब्बत बेकुफ्रहिम उनके कुफर करने की वजह से कुल आप कह दें बुरी है वो चीज़ जिसका तुम्हें तुम्हारा ईमान हुक्म देता है अगर तुम हो ईमान लाने वाले यह था इस ऐत का ऐत नंबर तिरानवे का तर्जमा अब इस ऐत के अल्फाज की तरफ आते हैं ईद बरफ़ के लिए है जब याद करो उस वक़्त को अखदना जब हमने लियाद नाम ने लिया, लिया फिल्मी जमा के लिए मिसा किस कहते हैं पुख्ता किस्म के अहद को व रफाना आना और हमने बुलंद किया फिल्मा या जमा के लिए और ये बुलंद करने वाले और मिसाक लेने वाले कौन है अल्लाह ताला अल्लाह ताला एक है लेकिन अल्लाह ने अपनी के लिए जमा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि अल्लाह ताला अजीम है और ये अजमत पेदलाल करने वाले अल्फाज हैं रफाना हमने बुलंद किया फोकुम तुम्हारे ऊपर क्या बुलंद किया अतूर तूर के दो माने हैं पहला माना यह है कि तूर से मुराद एक खास पहाड़ है जिस पहाड़ को तूर कहा जाता था और दूसरा इसका मफहम यह है कि हर पहाड़ को क्या कहते हैं तूर यानी हमने तुम्हारे ऊपर तूर बुलंद किया कि कोई ना कोई पहाड़ हमने तुम्हारे ऊपर बुलंद किया खुदू तो ऐद लेते हुए हमने क्या कहा खुदू तुम पकड़ो यह फेल अमर है आर्डर के लिए है और जमा का लफज है तुम पकड़ो किस चीज को पकड़ो माँ इस मौसू है उस चीज को पकड़ो मा, मा आती जो हमने दी है तुमको वो क्या चीज थी तो रात मजरूर कुवत के साथ किसके साथ है खुदू के साथ खुदू यानी कि तुम कुवत, कुवत के साथ पकड़ो जो हमने तुमको दिया है यानी कि सुस्ती के साथ नहीं ढीले अंदाज के साथ नहीं वस्माऊ और तुम सुनो जो अहकाम तुम्हें मिलते हैं सुन सुनो सुनते पहले भी थे लेकिन सुनना दो तरह का होता है एक सुनना इसलिए कि आप उसे कबूल करना चाहते हैं उस पर अमल करेंगे उसे मानेंगे और एक सुनना होता है सुनने की हद हाँ तक मानना जरूरी नहीं है अमल करना जरूरी नहीं है तो कहते हैं सुनो यानी कि इस तरह सुनो कि तुम्हारा ये इरादा हो कि जो सुन रहे हैं उसे हम मानेंगे उस पर अमल करेंगे उसकी पैरवी करेंगे लू तो उन्होंने क्या कहा समय ना हमने सुन लिया समय ना फिल्मादी है जमा के लिए हमने सुन लिया वह आसना ये भी फिल्मादी है जमा के लिए और हमने मासियत की हमने नाफरमानी की उश रिबू फिल्मादी है जमा के लिए है मजहूल है उश वो पिलाए गए फी कलूब इम अपने दिलों में क्लूब किसकी जमा है कल्ब की दिल पिलाया गया क्या पिलाया गया बछड़ा उनको बछड़ा पिला दिया गया क्या बछड़ा पीना मुमकिन है तो यहां बछड़े के लफ से पहले अलीजर के लफज से पहले मुजाफ मजूफ है और सुनने वाले जानते हैं तो मुराद क्या है कि उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई इनके डाल दी गई जैसे पानी इंसान के जिसम में शरद कर जाता है पूरे जिसम में दाखिल हो जाता है ऐसी बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में दाखिल हो गई क्यों दाखिल कर दी गई बे कुफरी है उनके कुफर की वजह से कुल आप कह दें बेसा पहले वजह हो तो चुकी है फेल किस रिए आता है मजम्मत बयान करने के लिए बेईसा बुरी चीज है माँ ये माँ यहां पर किसके माना में या श माना में बुरी है वो चीज या मुरु या मुरु फेल मुजारे वाह के लिए हुक्म देता है कुम तुम्हें बुरी है वो चीज इसके बारे में तुम्हें हुक्म देता है कौन ईमान हुकुम तुम्हारा ईमान इन तुम मुमिनीन अगर तुम हो ईमान लाने वाले इस ऐहद में अल्लाह ताला उसी एहद का तस्करा कर रहे हैं जिसका तस्करा पहले भी हो चुका है अल्लाह कह रहे हैं उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता एहद लिया और चूंकि ये अहद देने के लिए तैयार नहीं थे तो अल्लाह इज्जत ने एक पहाड़ इनके सरों पे बुलंद कर दिया और इस अमर की वजाहत पहले हो चुकी है कि अल्लाह इज्जत के उनके सरों पे पहाड़ के बुलंद करने के मोवजे को कई मुफसरीन ने हल्का करने की कोशिश की है और उनमें से एक कौन है मौलाना अमीन असन उन्होंने इस ऐद की तफसीर में यह बावर करने की कोशिश की है कि जब कोई इंसान किसी पहाड़ के दामन में बैठा हो किसी दीवार में बैठा हो और जल्जला आए पहाड़ हरकत करने लगे दीवार हरकत करने लगे तो वो महसूस करेगा गोया के पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है दीवार उसके ऊपर गिरने वाली है यानी कि हकीकत में ऐसा नहीं था अल्लाह ने एक हकीकत बयान की और अल्लाह के लिए ये काम करना कुछ मुश्किल नहीं है आप इस हकीकत का इनकार क्यों करते हैं इसकी तावील क्यों कर रहे हैं जब अल्लाह कह रहे हैं हमने उनके ऊपर पहाड़ को बुलंद किया जैसा कि अल्लाह इज़्ज़त एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं वह इधन तक जबल फोम दुल्ला, के जब हमने पहाड़ को उठाया और उनके ऊपर बुलंद किया गोया कि वो क्या हो साइबान हो तो अल्लाह ताला इस ऐत में यानी कि सूर्य आराफ की ऐत में वादे कर रहे हैं कि पहाड़ को हमने नीचे से उठाया उनके ऊपर बुलंद किया और उस वक़्त पहाड़ की हालत उनके सरों पर ऐसे थी गोया कि उनके सरों पर साइबान हो अल्लाह रबुलजत ने वाकई पहाड़ को उनके सरों के ऊपर बुलंद किया इसकी तावील करना गलत होगा अल्लाह के कलाम का इनकार करने के मुतरद होगा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता ऐद लिया और हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया या किसी पहाड़ को बुलंद किया और उस मौका पर अल्लाह ने क्या कहा अल्लाह तला कहते हैं खुदू हमने उस मौका पर कहा पकड़ो माँ आते नाकुम उस चीज़ को जो हमने तुमको दी है वो क्या दी थी अल्लाह तला ने तो रात कैसे पकड़ो बेखूवत संजीदगी के साथ कुत के साथ ढीले अंदाज में नहीं तरखाने के लिए नहीं वसमाओ और जो अहमाम दिए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनो और उन्हें कबूल करो तो कलो समा वासना आप बनी इसराइल की सरकशी देखें उनका तमरुद देखें उनकी तुगयानी देखें क्या कहते हैं हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं सुनेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह कौम किस कदर सरकश कौम है वह उशरीबू भी कुफ़री हिम और उनके दिलों में बशरे की मोहब्बत डाल दी गई क्यों डाली गई उनके कुफर की वजह से इसे क्या पता चला कि जब इंसान कुफर की राख तैयार करता है सजा के तौर पर अल्लाह तला इंसान को इंसान के लिए कुफर को मजीद आसान कर देते हैं जब उन कुफर की राख तैयार की तो अल्लाह ने उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत डाल दी और बछड़े की इबादत उन्होंने की तो ये मोहब्बत डालने वाला कौन था अल्लाह रबुल्ज़त लेकिन अल्लाह रबुल्ज़्ज़्ज़्ज़त की तरफ इस अमर की नस्बत नहीं की गई क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उन उमूर की नस्बत की जाती है जो खैर पे मबनी हो और वो उमूर जो शर पर मबनी हों अगरचि उनका खालक भी अल्लाह ताला है लेकिन अदब के तौर पर कई दफ़ा उनकी नस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की जाती और ये भी देन में रहे कि वो शर मखलूक के लिहाज से होता है अल्लाह के लिहाज से वो शर नहीं होता और उनके दिलों में बच्चे की मोहब्बत डाल दी गई क्यों डाली गई बेकुफरी उनके कुफर की वजह से फलमाजागु जाग आजाकू बहुम जब वो टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया जब इंसान ईमान की राय अख्तियार करता है अल्लाह उसे ईमान की तोफीक देते हैं ईमान में मजीद आगे बढ़ता है एक ऐद पढ़ता है उसके ईमान में इजाफा होता है अल्लाह दूसरी ऐद सुनने की और पढ़ने की तोफीक देते हैं फिर ईमान में इजाफा होता है फिर तीसरी याद पढ़ने की और सुनने की तोफीक देते हैं और जो कुफर की रा अख्तियार करता है तो उसे यह सजा मिलती है कि कुफर मजीद वो करता है कुल बेस्मा अमल भी ईमान हुकुम यह कहते थे हमारा ईमान है किस पे तो रात पे अल्लाह ने कहा बुरी है वो चीज जिसके बारे में तुम्हें तुम्हारा ईमान हुक्म देता है ये तुम्हारा ईमान है जो तुम्हें तुमसे बछड़े की इबादत करवा रहा है अगर तुम्हारा सही ईमानों में ईमान होता किस पे तो रात पे तो तुम बछड़े की इबादत क्यों करते तो रात अल्लाह का कलाम है उसमें तो शर्क का इनकार होगा शिर की तरदीद होगी शिरक से बाज रहने के बारे में तालीमत होंगी तो तुम्हारा ईमान अजीब है जो तुमसे बछड़े की इबादत करवा रहा है जो तुमसे नबी कतल करवा रहा है आप कह दें बुरी है वो चीज जिसके बारे में तुम्हें तुम्हारा ईमान हुक्म देता है ईमान से मुराद यहां किस चीज पर ईमान है तो रात पे इन कुन तुम तुमीन अगर तुम वाकई ईमान लाने वाले हो ममिन जमा है किसकी मोमन की जमा है ईमान लाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस कुरान को इस कलाम को सही ईमानों में समझने की तौफीक नियात फरमाए और हमारे दिलों में इसकी मोहब्बत दाखिल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों में शिरक की नफरत डाल दे व आखिरदा व ना अनहमदिल्ला रबीआलम